आप लोगों के साथ चाय पीना। अब काफी लोग बदल गए हैं, टीम काफी, कुछ लोग पुराने अभी भी दिखते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। वैसे मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा। मैं मध्य प्रदेश में था तो वहीं से सीधा आपके बीच पहुंचा हूं। और राज, इसके बाद शायद अध्यक्ष जी ने मेरे लिए कोई काम नहीं रखा है, कार्यकर्ता आपको मिलना है। अभी है, इसके बाद भी है। मैं मानता हूं कि कुछ बातें दुनिया के लिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की ताकत क्या है, ये विश्व के सामने ले जाना, ये हम सबका दायित्व है। ये कोई सरकार का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। और मैं मानूंगा कि विश्व को हमने प्रभावित करना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी विविधताओं से भरी हुई है, कितनी अच्छाइयां हैं उसमें। अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, दो चुनाव ऐसे गए 2009 और 2014 के, आईपीएल मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, आईपीएल मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्जाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं और सब कुछ। यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रूप में पेश नहीं कर रहा हूं, ये भारत के गौरव की बात है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग भी, और मैंने देखा है शायद पत्रकारिता जगत में नेचुरल कैलेमिटी जब होती है तब उनकी हालत बड़ी खराब होती है, दौड़ना पड़ता है। और दूसरी शायद चुनाव के समय होता है, इतनी उनको इतनी कंपटीशन होती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी धूल भागनी पड़ती है। और सोशल मीडिया आने के बाद डबल अकाउंटेबिलिटी हो गई, एक तो जहां काम कर रहे हैं वहां की और दूसरी पर्सनल जो ट्वीट करते हैं उसकी, तो उसके लिए डबल अकाउंटेबिलिटी में आपको काम करना पड़ रहा है। तो आपने भी बहुत परिश्रम किया है, जरूर 23 तारीख तक आपको कुछ न कुछ आराम आपके ऑफिस से मिलेगा, हमारी तरफ से तो जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत शानदार रहा चुनाव, एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ। और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया हो और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है। बीच में जितने ही सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया, उसको किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। कभी न कभी इसका एनालिसिस आपके यहाँ जो पंडित लोग हैं उन्होंने जरूर करना चाहिए। आपको लोगों को तो शायद उतनी स्पेस मिलती नहीं है, आपको तो थोड़ी थोड़ा चीजें दे करके दिन गुजारना पड़ता है, लेकिन जरूर जब आप एडिट बोर्ड में मिलने जुलने का मौका मिलता होगा तो जरूर ये बातें आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा है, जब मैं चुनाव के लिए निकला तब ये मन बना करके निकला था
और आज आखिरी सभा तक उसी बात को मैं बराबर अपने आप को उसी धार पर रखा हूं। और मैंने देशवासियों को ये कहा था कि मैं आपके पास आया हूं धन्यवाद करने के लिए, 5 साल मुझे देश ने जो सहकार दिया, आशीर्वाद दिया, अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक मोड़ आए होंगे, लेकिन हर समय देश साथ रहा। और इसलिए मेरे लिए चुनाव अभियान एक प्रकार से 5 साल का जनता जनार्दन के सहयोग का धन्यवाद अभियान था। और मैं जहां करके मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया है आप लोगों के, और आपके माध्यम देशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहता। और दूसरा धन्यवाद के साथ मैंने यह भी कहा कि जिन यात्रा को हमने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि जनता पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दे रही है। चौदह में रिजल्ट आया था और 17 मई को एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। आज 17 मई है, 17 मई को देश में सट्टाखोरों को मोदी की हाजिरी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, अरबों खरबों का नुकसान हो गया था सट्टाबाजों को। यानी ईमानदारी की शुरुआत 17 मई को हो गई थी मेरा शपथ के पहले, क्योंकि उस समय सट्टा बाजार जो चलता था वो कांग्रेस की 150 सीट के लिए चलता था और बीजेपी की 218 के आसपास का चलता था, 18 तो 75, और सबके सब डूब गए थे। तो शायद ईमानदारी की शुरुआत 17 मई से ही हो गई थी। सट्टाखोरी के दिमाग को बहुत बड़ा धक्का इस देश की जनता ने दे दिया था। और जैसे कहते हैं ना पुत्र के लक्षण पालने में, वैसी वो शुरुआत थी। तो आज 17 मई है तो मुझे याद आया, मैंने कहा जरा आपसे शेयर कर लूं। सरकार बनना देश की जनता ने तय कर लिया है, हमने भी देश को आगे ले जाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं। जितना हो सके उतना जल्दी नई सरकार अपना कार्यभार शुरू करेगी, एक के बाद एक निर्णय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सरकार की एक विशेषता जो रही है वो है लास्ट माइल डिलीवरी, और मैं समझता हूं कि ये शायद हिंदुस्तान में गवर्नेंस का नया कल्चर है। और जो अमित भाई बता रहे थे कि जो लाभार्थी के आखिरी व्यक्ति को हमने जो संपर्क किया है, ये अपने आप में, मैं जानता हूं ये मीडिया की दृष्टि से जो बातें अमित भाई बता रहे थे मजा आने वाली नहीं थी, तो चेहरे पर थकान भी मैं देख रहा था आप लोगों की कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा परिश्रम के बाद ये होता है, कितनी बड़ी ताकत लगती है। एक संगठन के आधार पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये अपने आप में लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक है अभी शायद ये आपाधापी में तूतू मेमे की दुनिया में इन चीजों के लिए लिखने के लिए आपको स्पेस भी नहीं मिलेगा, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शायद आपके लिए 2-5 सेकंड से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन कभी ना कभी आप में से कोई रिसर्च करना चाहे तो मैं जरूर अध्यक्ष जी को कहूंगा कि ऐसे जो इंटरेस्टेड जर्नलिज्म के लोग हो उनको जरूर ये बातें हमने देनी चाहिए, ताकि वो सचमुच में देश के लिए और उनके लिए भी कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ ऐसे नहीं चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से इन चीजों को कैसे चलाया जाता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छा है कि देश की नई पीढ़ी को पता चले कि भई ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, इतना बड़ी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं,
इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स को इतना मोबिलाइज करना और बड़ा टारगेटेड फोकस एक्टिविटी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। इसका काफ़ी आंकड़ों में तो बताया है, लेकिन उसका स्केल आप देखेंगे। अब मेरी पहली सभा हुई मेरठ में, आखिरी सभा हुई आज मध्य प्रदेश में, दोनों का बड़ा लिंक है जी। 1857 की क्रांति मेरठ, और आज मैं मध्य प्रदेश में गया, वहाँ का एक भीमा नायक आदिवासी जो 1857 के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और जिसको फांसी हुई थी। यानी हमारी योजना ऐसी नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस ठीक है, हम हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है, सब चीज़ें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे 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 आपको पता चलता है। तो मेरा एक भी कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है इतने बड़े अभियान में, नॉट अ सिंगल। और बाय एंड लार्ज वेदर ने भी मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं दी है। कभी कभी हेलीकॉप्टर खराब हो जाते थे तो एक हेलीकॉप्टर में सबको भर देते थे, लेकिन एक भी कार्यक्रम मेरा कैंसिल नहीं हुआ, सारे के सारे कार्यक्रम पूरे हुए। यानी एक प्रकार से डिसिप्लिन को जितना फॉलो कर सकते हैं करने का प्रयास किया है, और पहले दिन से चेहरे पर जो उत्साह और उमंग था उसी उत्साह और उमंग के साथ आपके बीच आया हूँ। और अभी शाम का एक कार्यक्रम पूरा होने के बाद फिर से अपने सरकारी कामों में जुड़ जाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। देखिए, विपक्ष से और अपेक्षा कुछ की नहीं जा सकती, वो ऐसे ही बोलेंगे, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की ओर से कहीं पर भी ये शुरुआत नहीं हुई। अब मुद्दों को बताना, भ्रष्टाचार की बात करना, भ्रष्टाचार के बारे में उल्लेख करना, उसको अगर आप स्तर गिराना चाहते हो तो मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को जनता के सामने रखना हमारा लोकतांत्रिक दायित्व भी है और अधिकार भी है। मगर आप किसी के भ्रष्टाचार को बात करो और उसको आप स्तर गिराना कहते हो तो वो ठीक नहीं। नहीं नहीं, आप पहले दो चीजों को मिक्सअप मत करिए। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के पास पूर्ण बहुमत होगा, हम 300 से ज्यादा सीट प्राप्त करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है, इसमें कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। सरकार एनडीए की बनेगी और उसके बाद भी हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को देखकर कोई जुड़ना चाहता है तो सभी का स्वागत है। 2014 के चुनाव में विपक्ष बिखरा हुआ था, कई जगह गठबंधन नहीं थे और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। इस बार कई राज्यों में गठबंधन बने, पूरे देश में नहीं हुआ, उसका कितना असर था? देखिए, हमने 2014 से ही 50% की लड़ाई की तैयारी की थी, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस रहा, मैं आपको दो आंकड़े कहना चाहता हूँ। 22 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी केंद्र सरकार के थे, 22 करोड़ से ज्यादा, और हमें गत चुनाव में 17 करोड़ वोट मिले थे। लोकतंत्र का